नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद आपके Xiaomi के फोन्स के अंदर अलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स, मतलब कि एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर्स, साथ ही दोस्तों एज लाइटिंग इफेक्ट का फीचर्स इनेबल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फोन्स के अंदर अलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स, मतलब कि एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर्स विद स्क्रीन लाइटिंग इफेक्ट, मतलब कि एज लाइटिंग इफेक्ट के फीचर्स के साथ उसको इनेबल किया है। और दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको TWRP, मतलब कि किसी भी प्रकार से बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत नहीं है एंड किसी भी प्रकार से आपके यहाँ पर रूट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से अलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ साथ एज लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर इनेबल किया है। तो दोस्तों अगर आपके फोन के अंदर इस प्रकार से एम्बिएंट डिस्प्ले के साथ साथ एज लाइटिंग फीचर्स को इनेबल करना है तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ ही दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब कि एम्बिएंट डिस्प्ले का जो फीचर्स है Xiaomi के MIUI 11 अपडेट के बाद कुछ AMOLED स्क्रीन वाली फोन्स के अंदर, मतलब कि Redmi K20 या फिर Redmi K20 Pro जैसे डिवाइसेस के अंदर अलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, साथ ही दोस्तों एज लाइटिंग फीचर्स का जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सभी लोगों के पास इतने सारे पैसे तो नहीं होते 20-25 हजार, क्योंकि Redmi K20 K20 Pro जैसे फोन खरीदने के बाद इस प्रकार से फीचर्स को एंजॉय करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro या फिर Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro जैसे डिवाइस है या फिर Xiaomi का किसी भी टाइप का डिवाइस है, फिर भी दोस्तों आप अपने डिवाइस के अंदर अलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स विद एज लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है, मैसेज है या फिर एनी अदर किसी भी टाइप का अगर आपको इनकमिंग नोटिफिकेशन आ जाता है तो बॉर्डर का जो लाइटिंग इफेक्ट आपको इस प्रकार से लाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते आपको जो अलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर्स है, मतलब कि एनालॉग क्लॉक्स है, साथ ही दोस्तों डिजिटल क्लॉक्स है, बैकग्राउंड कलर्स है, बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट है या फिर किसी भी प्रकार से आपको कस्टमाइजेशन करने का मौका मिल जाता है इस अलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर्स के अंदर। और दोस्तों मैं यहाँ पर गारंटी के साथ बोल देता हूँ कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपके Xiaomi के फोन के अंदर अलवेज ऑन डिस्प्ले एंड एज लाइटिंग के फीचर्स इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस मजेदार फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपके फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जिसका नाम है अलवेज ऑन AMOLED एज लाइटिंग। तो दोस्तों बहुत ही इजी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पे एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है, लगभग देख सकते हैं 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है एंड लगभग 4.4 उसके ऊपर रेटिंग है। तो सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके रखना है अपने फोन के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली उसको ओपन कर देना है और दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ परमिशन है उसके ऊपर अलॉ कर देना है, लगभग देख सकते बस 4 आपको परमिशन मिल जाती है। तो सारी परमिशन को यहाँ पर मैं अलॉ कर देता हूँ एंड परमिशन अलॉ करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ से और पर क्लिक कर देना है एंड एरो पर क्लिक करने के बाद ये जो फीचर्स है, मतलब ये जो फीचर्स का एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कस्टमाइजेशन करना है तो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके यहाँ पर स्टिकर रखना है तो स्टिकर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एनालॉग या फिर डिजिटल क्लॉक रखा है तो यहाँ पर स्टिकर्स नहीं सेट कर सकते। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर क्लॉक सेट करना है, मतलब कि एनालॉग या फिर डिजिटल क्लॉक सेट करना है तो बहुत ही सारे आपके यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एनालॉग क्लॉक पसंद आता है तो यहाँ पर एनालॉग क्लॉक यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों बहुत ही तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स के एनालॉग क्लॉक मिल जाता है एंड अगर आपके यहाँ पर डिजिटल क्लॉक सेट करना है तो डिजिटल क्लॉक भी सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ फीचर्स है, मतलब कि कुछ ऑप्शंस आपके यहाँ पर अनलॉक करना पड़ता है, जो कि आप परचेस करने पड़ते हैं सिर्फ लगभग यहाँ पर दे सकते हैं 30 या 35 रुपए के बाद। और दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर 20-25 हजार का फोन लेने से अच्छा यहाँ पर 35 रुपए का कुछ अगर आप अनलॉक करेंगे तो सारे के सारे फीचर्स का आप मजा ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में दे सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल बैकग्राउंड मिल जाते हैं रेनबो कलर से। और दोस्तों सभी टाइप्स के बैकग्राउंड आपको फ्री में नहीं मिलते, इसके लिए आपको कुछ अनलॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे फीचर्स के यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो फॉन्ट स्टाइल रहता है, मतलब जो क्लॉक का फॉन्ट स्टाइल रहता है उसके यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं एंड जो डेट फॉर्मेट रहता है डेट का फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एज लाइटिंग इफेक्ट, मतलब की जो बॉर्डर की एज लाइटिंग इफेक्ट है उसके यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको अलवेज ऑन रखना है या फिर अलवेज ऑन के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए रखना है तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एज लाइटिंग की साइज भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों अगर आपका डिवाइस नॉच का है तो यहाँ पर नॉच भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन के सेटिंग मिल जाते हैं, मतलब कि अगर आपको डिजिटल क्लॉक या फिर एनालॉग क्लॉक का जो कलर्स है ग्रेडियंट टाइप का अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है तो उसका भी कलर्स आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट किया है एंड क्लॉक का यहाँ पर कलर देख सकते हैं ग्रेडियंट टाइप का, काफी आपको यहाँ पर शानदार देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपने Xiaomi के किसी भी फोन के अंदर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, जिसका नाम है अलवेज ऑन AMOLED, मतलब कि एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर इनेबल कर सकते हैं एज लाइटिंग फीचर के साथ साथ। तो दोस्तों ये फीचर आपको कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में जरूर बता
देना। एंड साथ ही दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ चुका है तो यार मेरे लिए एक लाइक भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों अपने फ्रेंड को बताने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना अपने ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।